नमस्कार दोस्तों, मैं भीमराव और आप देख रहे हैं भीमराव वाईफाई टीवी। साथियों, उत्तर प्रदेश में दलितों पर हो रहा है अत्याचार। जी हां साथियों, मैं आपसे बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में दलितों का दमन किया जा रहा है। इसी के चलते भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने इस ट्वीट में लिखा है कि योगी सरकार में दलित दमन के नीति नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सत्येंद्र कौर नामक दलित युवक की हवालात में पुलिस की पिटाई से मौत हो गई। सरकार संरक्षण से पुलिस निरकुश है और जब मामला दलितों का हो रहा तो नरभक्षी बन जाती है दलित दमनकारी भाजपा सरकार। सभी साथियों को मैं बता दूं कि यह घटना उत्तर प्रदेश फतेहपुर गाँव ललोली थाना क्षेत्र के कीर्तिखेड़े में रहने वाले सत्येंद्र की मौत रविवार दोपहर राधानगर थाने में पुलिस की हिरासत में हो गई थी। सत्येंद्र के नाक मुंह से खून निकल रहा था और उसके चेहरे पर कालापन था। दाहिने कान के नीचे सूजन भी बताई जा रही है। सब वे कपड़े के कई तरह के निशान मिलने पर परिजन इंस्पेक्टर समेत पुलिसकर्मियों को सत्येंद्र का कातिल ठहरा रहे थे। उन्होंने इसी आधार पर हत्या पुलिसकर्मियों पर मुकदमा भी दर्ज कराया है। वहां यह जानने के लिए परिजन व विभागीय लोग आतुर थे कि आखिर सत्येंद्र की मौत किन कारणों से हुई। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में को लेकर पुलिस से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बोलने से कतरा रहे थे। विवेचन सीओ फरजगंज अनिल कुमार ने बताया कि रिपोर्ट में ब्रेन हेमरेज की पुष्टि हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर डॉक्टर के साथ बैठकर एक एक बिंदु पर चर्चा हुई। सभी साथी इस पूरी घटना की जानकारी इस अखबार की कटिंग में पढ़ सकते हैं और सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और सभी साथियों की इस पूरी वीडियो पर क्या राय है कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।